नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड। भाई कुवैत की फ़्लाइटों के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या स्थिति है फ़्लाइटों के बारे में। जी हाँ, अगर कोरोना की बात करें तो आप सबको पता है भाई कुवैत में कोरोना की स्थिति ठीक है, सेकेंड डोज भी बहुत सारे लोगों को लग चुके हैं, तो स्थिति ठीक है नो डाउट। लेकिन वो नहीं चाहते कि दूसरे देशों की वजह से दोबारा से ऐसी कोई स्थिति क्रिएट हो जाए, क्योंकि थर्ड लहर, समझते हैं कोरोना की तीसरी लहर जो इंडिया में आजकल जो न्यूज़ चल रही है ना, थर्ड लहर के बारे में, कोरोना की थर्ड वेव आ रही है, इससे रिलेटेड है। तो भाई विदेशी जो फ्लाइटें हैं वो चालू करने से पहले ये सोचते हैं कि उस देश की स्थिति क्या है। ये तय बात है इंडिया में अगस्त में थर्ड लहर कोरोना की आने वाली है, ये आंकड़े आराम से बता रहे हैं, रोज़ डेली की न्यूज़ आ रही है, समझ गए। तो आप लोगों को सावधान रहने की इसलिए ज़रूरत है कि भाई कोई स्थायी नहीं है फ़्लाइटों के बारे में। जी हाँ, क्योंकि कुवैत की बात करें तो भाई फ़्लाइटें अगस्त 1 से शुरू हो चुकी हैं कुवैत की। जी हाँ, 1 अगस्त से फ़्लाइटें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इंडिया को फिर भी इसमें जगह नहीं दी गई है। जी हाँ, क्योंकि इंडिया की भाई देखिए स्थिति क्या है, कोरोना के बारे में बात करें तो 40-50 हज़ार के करीब तो समथिंग अभी कोरोना केस चल रहा है, नो डाउट। दूसरी बात, वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम है, और वैक्सीनेशन तो अगर जो जाएगा वो लगवा के जाएगा, इसको तो नो डाउट, लेकिन फिर भी जो तीसरी लहर है ना, ये कहीं ना कहीं इन देशों को डरा रही है। ये तय बात है, तीसरी लहर बड़ी खतरनाक भी बोल बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लोग अलग अलग अपनी बयानबाजी करते रहते हैं, आप सबको पता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया का कोरोना का जो माहौल है ना, इस वजह से भाई कुवैत सरकार ने इंडिया के लिए फ़्लाइटों अभी ओपन नहीं की है। जी हाँ, हालांकि इंडियन लोगों के लिए एक ऑप्शन हो सकता है कि वो सीधे उस देश में नहीं जा सकते, बाकी थर्ड कंट्री होके वो लोग जा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन उसमें शर्त ये रहेगी कि वो थर्ड कंट्री, जैसे सपोज करिए आप कतर के द्वारा कुवैत जाते हैं या फिर दुबई की फ़्लाइटें ओपन हो जाती हैं तो आप कुवैत जाते हैं, तो उन देशों में आप 14 दिन कम से कम आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। जी हाँ, और दोनों डोज आपको लगवानी पड़ेगी, आपको पता है कोविशील्ड की, ये कोविशील्ड की दोनों डोज या RT-PCR वगैरह, वो तो नॉर्मल सी बातें हैं, आप सबको पता ही है। बाकी बता दूँ, एंट्री उन्हीं लोगों को मिलेगी जो 14 दिन थर्ड कंट्री में, जैसे इंडिया से आपने कतर में 14 दिन बिताए, क्वारंटाइन रहे, वहां से फिर आप कुवैत चले गए, इस तरह से हो सकता है। बाकी एंट्री भी सिर्फ वर्क परमिट वीज़ा वैलिड हैं उन्हीं को मिलेगी, बाकी किसी लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा सरकार ने बताया है। 1 अगस्त से फ़्लाइटें स्टार्ट हो रही हैं, तो भाई कुवैत जाने वाले जा सकते हैं, लेकिन वो थर्ड कंट्री के माध्यम से। बेस्ट ऑप्शन भाई अभी तो कतर का ही है, बाकी तो सब देशों ने, सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, सब फ़्लाइटें आपको पता है बंद हैं कतर को छोड़ के। तो यहाँ से कतर से आप कुवैत जा सकते हैं। कितना पैसा लगेगा वो तो आपको जब टिकट बनाओगे तब पता लगेगा कि कितना खर्चा आ रहा है। जी हाँ, बस यही ऑप्शन है भाई, बाकी फ़्लाइटें इंडिया के लिए 1 अगस्त से स्टार्ट नहीं होने वाली अब तक की न्यूज़ के अनुसार। जी हाँ, हाँ, इसमें इंडिया को ऑप्शन दिया गया है कि थर्ड कंट्री, इंडिया का मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर इंडिया का नाम है, जिन देशों की फ़्लाइटें ओपन नहीं होंगी वो थर्ड कंट्री में 14 दिन बिता के, क्वारंटाइन रह के, कोविशील्ड का टीका लगा के जा सकता है, बस यही ऑप्शन है, बाकी कुवैत जाने वालों कोई ऑप्शन नहीं। इसके लिए एक बता दूं कि फ़्लाइटें स्टार्ट हो रही हैं, इंडिया में 4 से 5 लाख लोग बैठे हैं ऐसे लोग। जी हाँ, बता दूं 4 से 5 लाख और इंडिया में लोग बैठे हैं जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं। अब वो कैसे पहुंचेंगे भाई, डायरेक्ट फ़्लाइट होती है तो आसान होता है फ़्लाइटों में, इनडायरेक्टली पहुँचने का मतलब है खर्चा भी आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। जी हाँ, और फिर भी लोगों को भय रहता है कि यार क्या पता पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, क्या नियम बदल जाए, क्या कुछ हो जाए, कोई पता आता पता नहीं है भाई। तो कुवैत ने भी भाई निराश ही किया एक तरह से, आप समझ सकते हैं कि फ़्लाइटों के मामले में, और इसका कारण है कोरोना। और ये कोरोना भाई 2022 में 21 में तो जाएगा नहीं, 2021 में कोरोना जाने वाला है नहीं, वैक्सीनेशन ही कहाँ है, रफ्तार कहाँ है, देखिए वैक्सीनेशन ही नहीं हो रहा है, इस तरह से चल रहा है तो 2021 में टीके नहीं लगेंगे लोगों को, तो फिर कोरोना भागेगा कहाँ से, इंडिया से कैसे इसकी निकल। लेकिन मुश्किल काम है थोड़ा सा, कुवैत जाने वाले पूरी डिटेल अपने स्तर पे चेक करें, देख लें, सोच लें, समझ लें। और ये फर्जी एजेंट आपको वीज़ा देके बोलते हैं टिकट 40 हज़ार में दुबई भेज, कुवैत भेज देंगे, 30 हज़ार में भेज देंगे, उनसे सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है आपको। बस ये अपडेट शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। जय हिंद।